सो हेलो गाइज़, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अगर आप टाइटल और थंबनेल देख के आए हैं तो आप बिल्कुल सही आए हैं। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि फेसबुक में जो टेक्स्ट होता है, जो इमोजी होते हैं, वो मूव कैसे करते हैं। सो सिंपली, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर एक छोटे से इंट्रो से। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने जो फेसबुक अकाउंट है उसको आपको इंस्टाग्राम से लिंक कर लेना है, यानी कि आपको इंस्टाग्राम ऐप को भी इंस्टॉल करना है और आपको जो आपका जो फेसबुक का आईडी है उसी से आपको इंस्टाग्राम को लिंक कर देना है। लिंक करने के बाद सिंपली आपको इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस होगा होम पेज पर। सिंपली आपको यहाँ पर प्लस वाला आइकन दिख रहा होगा, सिंपली आपको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पोस्ट, स्टोरी, रील, लाइव, आपको चार ऑप्शन दिखेंगे। सिंपली आपको स्टोरी पर क्लिक कर देना है। स्टोरी पर क्लिक करने के बाद आपके जितने भी गैलरी में फ़ोटोज़ या वीडियोज़ हैं यहाँ पे शो हो जाएंगी। सिंपली आपको आप जिस भी वीडियो या फ़ोटो को लगाना चाहते हैं स्टोरी में, आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं अभी यही, सो फ्रेंड्स मैं ये वाला वीडियो ले लेता हूँ। वीडियो लेने के बाद फ्रेंड्स आपको ऊपर दिख रहा होगा ए ए वाला ऑप्शन आ रहा है, यानी कि वहाँ पर लिखने वाला ऑप्शन आ रहा है। सिंपली आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर वहीं पर क्लिक कर देना है और आप जो भी लिखना चाहते हैं, न्यू पोस्ट या वगैरह कुछ भी आप लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा ये, मतलब ये वाला, ये आपको ऑप्शन दिखेगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे देख सकते हैं मेरा ये टेक्स्ट जो है रिमूव कर रहा है। आप अगर इसको इसका फॉन्ट चेंज कीजिएगा तो इस ये दूसरी तरह मूव करने लगेगा, यानी इसका एनिमेशन दूसरा हो जाएगा। सो आप फ्रेंड्स, तो मैं अगर आप सिर्फ मूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं ये वाला एनिमेशन लगा देता हूँ। उसके बाद मैं कर लेता हूँ ओके। ओके पर क्लिक करने के बाद मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। फ्रेंड्स ऊपर करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा जो ये वीडियो है वो थोड़ा ज़्यादा लेंथ का हो गया, इसीलिए मैं एक पार्ट इसका डिलीट कर रहा हूँ अभी। तो अगर आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट मूव हो रहा है, आप उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है नीचे नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका फेसबुक का जो आईडी है वो आपका शो होगा। उस आप सिर्फ शेयर पर क्लिक कर देना है। आपको शेयर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस शो होगा, आपको डन पर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद आपका जो वीडियो है वो शेयर होने लगेंगी, तो आपका कुछ टाइम लगेगा यहाँ पे, एक 30 सेकंड या 1 मिनट लग सकता है। जितना आपका इंटरनेट फास्ट चलेगा उतना जल्दी हो जाएगा। तो मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ अभी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा स्टोरी है वो इंस्टाग्राम पर अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपको मैं फेसबुक में जाकर दिखा देता हूँ कि यही स्टोरी मेरा फेसबुक में भी अपलोड हो चुका है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो ये स्टोरी है यहाँ पे भी शेयर हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे ही जो है फेसबुक पर जो टेक्स्ट मूव होता है वो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ क्वेश्चन कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर।